दोस्तों फाइनली यहाँ पे आप लोगों के सामने है Vivo V30 Lite। ये स्मार्टफोन काफ़ी कुछ अपग्रेडेशन के साथ नज़र आ रहा है। चार्जिंग का सो आप देख सकते हैं सब है, केबल भी मिल रहा है उसके साथ ही, सबसे बड़ी बात है। और मोबाइल को अगर हम देखें इसके बैक पैनल की ओर से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नज़र आता है, जैसे कि इसमें आपको रैम स्टोरेज के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं बैक पैनल का जो है कैमरे का दो कैमरे हैं, नीचे का एक वर्टिकल शो फ्रेम में है और जिसमें अपर्चर के साथ है। फिर बगल में आपको फ्लैश मिल जाता है, पीछे की ओर वीवो की ब्रांडिंग नज़र आ रही है। और इसको अगर हम इसका जो कैमरे का देख सकते हैं ना कि जो बम थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब आराम से आप इसको कैरी कर सकते हैं, आपके जेब में रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फाइनली अगर हम डिस्प्ले की तरफ बढ़ते हैं तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ मिलता है, जो कि 6.78 इंच की है और काफ़ी स्मूथ है। कह सकते हैं कि दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, लाइक 90 और 120। अब यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि जैसे इसका डिस्प्ले का स्मूथनेस है और इसकी जो बैटरी पावर बैकअप में है, जैसे कि इसमें आपको 4700 mAh की बैटरी के साथ साथ है सारी चीज़ें, और वह बैटरी को तेज़ी से चार्ज करने के लिए 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। हालांकि इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है और कैमरे काफ़ी मज़ेदार वाले हैं कि मतलब सारी चीज़ें इसमें दे रखे हैं, जो कि आराम से आप एक फ़ोटोग्राफी कर सकते हो SLR की तरह ही है। इसमें कैमरे का Sony IMX का दे रखे हैं, जो कि OIS भी सपोर्ट है, जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होते हैं। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात कर लें तो सारी कनेक्टिविटी है, जैसे 5G के साथ है, 4G LTE का सपोर्ट कर रहा है फ़ोन में, डुअल बैंड वाईफाई, NFC, ब्लूटूथ, USB टाइप सपोर्ट जैसे सामने आपके ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ याद रखना है, जैसे कि 12GB रैम के साथ एक बड़ा वेरियंट है जो कि 256GB का स्टोरेज सामने है, और इसमें 12GB रैम प्लस 256 स्टोरेज के सामने मार्केट में उतारा जा सकता है। और हालांकि इन्होंने जो दो मेमोरी वेरिएंट में है, एक का तो अभी तो खुलासा नहीं किया है, और ये सबसे पहले चाइना में लॉन्च होगा, लेकिन लेट्स सी देखते हैं कि कब कैसे लॉन्च होगा। लेकिन बता दूं मैं आपको कि इसमें जो बैटरी चार्जिंग की मैंने आपको पहले बता दिया था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे है एंड्रॉयड 13 पर OS लॉन्च किया जा रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि OS को अपडेट रेडी होगा, जो कि मार्केट में आने के बाद एंड्रॉयड 14 वर्जन पर अपडेट हो सकेगा। वहीं मोबाइल फ़ोन को फ्रंट टच OS के साथ मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहीं तक थी, और गेमिंग के काफ़ी स्मूथनेस है क्योंकि वैसे भी सिक्वल पी हैं। और बस दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अगर पसंद आ जाए प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ मैं से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।